नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट की खास पेश का स्पोर्ट्स पोस्ट। आईपीएल मेगा ऑक्शन की डेट जो है फाइनली आ चुकी है। जी हाँ, 24 और 25 नवंबर को अबू धाबी के जेदा में आईपीएल का मेगा ऑक्शन करवाया जाएगा और ये दूसरी बार है जब जो मेगा ऑक्शन है या फिर ऑक्शन है वो भारत से बाहर करवाया जा रहा है। और अबू धाबी में करवाने का मतलब ये है कि इसको ग्लोबली और फेमस करना आईपीएल को, ताकि और भी कंट्री में ये पता चले। और इसके अलावा जो आईपीएल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेमी एंडरसन, यानी कि जेम्स एंडरसन जो है इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज, टेस्ट के वन ऑफ द लेजेंड गेंदबाज, उन्होंने आईपीएल 2025 के लिए रजिस्टर कर लिया। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है और आप सभी को हो सकता है कि वो आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आए। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि उनकी एंट्री तो हुई है पर उनके साथ ही बेन स्टोक्स, जो कि कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर में से एक है, बेन स्टोक्स ने इस बार अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, यानी कि वो आप सभी को खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बात किया जेम्स एंडरसन की, अभी हाल ही में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था और अब उन्होंने T20 जो क्रिकेट की लीग होती है उसमें खेलने की इच्छा जताई। इसी की वजह से वो पहली बार आप सभी को आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने अपना बेस प्राइस जो है 1,25,00,000 रुपए रखा है। तो अभी तक बहुत सारे खिलाड़ियों ने रजिस्टर करवाया, देखना होगा कि इनमें से किन किन खिलाड़ियों को जो बीसीसीआई वो चूज करती है, यानी कि इसमें से भी अभी छटनी होना है क्योंकि ये टीमों से पूछा जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी को मेगा ऑक्शन में बोली लगाने के लिए तैयार है। उनमें से मान लो सपोज करो कि 3,000 नाम आए होंगे तो 3,000 में से कम उसमें से आधा कर दिया जाएगा, यानी कि 1,200 नाम को ही सेलेक्ट किया जाएगा। उस लिहाज से इतना तो हम सोच सकते हैं कि जेम्स एंडरसन इतने बड़े गेंदबाज रह चुके हैं, उनकी तो एंट्री होनी तय है। अब देखना होगा कि क्या जेम्स एंडरसन को कोई खरीद पाता है, नहीं खरीद पाता। वही बेन स्टोक्स, जो कि कभी खेलते कभी नहीं खेलते, इस बार उन्होंने प्लान बनाया कि वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा जॉस बटलर हैं आपके, जॉनी बेस्ट्रो हैं, तमाम स्टीवन स्मिथ हैं, यानी कि तमाम जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। तो इस बार का जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी 31 तारीख को ही सभी टीमों ने अपनी रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जो है बता दी थी। अब वो तैयारी करें कि उनको टीम किस तरीके से बनानी है, क्योंकि बीसीसीआई ने करीब 20 करोड़ रुपए का पर्स बढ़ा दिया है। तो पैसा भी ज्यादा होगा और इस बार खिलाड़ी भी ज्यादा होंगे। एक बार नई मतलब दोबारा से जो टीमें हैं वो अपनी टीम बनाएंगी। सो मेगा ऑक्शन कहा जा रहा है कि इस बार बहुत बड़ा ऑप्शन होने वाला आईपीएल के लिहाज से, तो हमारी उस पर नजरें रहेंगी। तो एक बड़ी खबर आई, हमने सोचा आपको बता दें कि जेम्स एंडरसन की आईपीएल 2025 में वापसी हो रही है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं और कौन सी टीम से खेल सकते हैं, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस रिपोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रिपोर्ट।